चलिए मूविंग ऑन टू डेफिनाइट इंटीग्रेशन। और आज अपन ने प्रॉपर्टी नंबर 7 पढ़ना है, लेकिन बिफोर दिस एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एंड कंसेप्ट है, क्वेश्चन के साथ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी है, ठीक है, तो उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसे इफ यू हैव टू इंटीग्रेट 0 से पाई तक, इवैल्यूएट 0 टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट आपने करना है। तो जो बात एक आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप सबसे पहले ये वाला एक्स, कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है अपॉन में, कुछ भी क्वांटिटी दी है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको डिनोमिनेटर में दे रखा है, साइन प्लस कॉस हो सकता है या एनी अदर फंक्शन, इस फॉर्मेट में जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप ये एक्स को फोकस करिए और ये एक्स को आपने एलिमिनेट करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे पहला अप्रोच है वो ये है कि फर्स्ट वी एलिमिनेट दिस एक्स, एंड टू एलिमिनेट दिस एक्स इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 और इंटीग्रेशन को आई नाम दे दिया। और ये एलिमिनेट करने के लिए आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन का फोर्थ प्रॉपर्टी यूज करना है, बाई प्रॉपर्टी नंबर 4। फोर्थ प्रॉपर्टी से आप इस एक्स की जगह पर पाई माइनस एक्स लिखोगे और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो दिस रिमेन्स एज सच डीएक्स। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब जब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस आई 2i हो जाएगा और ये 0 से पाई, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, ये पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन x बचेगा। और अब ये 1 प्लस साइन x को आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, पाई बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई, और इसको हमने 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रेट करने के लिए, तो नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो नाउ 2i इज इक्वल्स टू पाई 0 से पाई तक 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, और माइनस 1 साइन बाई कॉस टेन और 1 कॉस सेक बना देगा, तो ये 10x इंटू सेक x आएगा और dx। तो नाउ दिस गिव्स 2i इज इक्वल्स टू पाई टाइम्स ऑफ 0 से पाई, इंटीग्रेट कर देते हैं अभी, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x और 10x sec x का इंटीग्रेशन sec x होगा, इंटीग्रेशन के लिमिट फ्रॉम 0 से पाई। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो व्हेन यू पुट पाई, टेन पाई 0 होता है, सेक पाई माइनस 1 होता है, तो प्लस 1 आएगा, जब 0 डालेंगे तो ये 0 माइनस 1 आएगा, तो 2i इज इक्वल टू 2 पाई आता है, एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज पाई, ये आंसर क्वेश्चन का। तो इस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो जनरली ये क्वेश्चन में आपको इस तरीके का डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया होगा कि फोर्थ प्रॉपर्टी लगाने से ये चेंज ना हो, और उसके बाद सबसे पहले आप उस एक्स को एलिमिनेट कर दें, आफ्टर एलिमिनेशन ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता है, 1 अपॉन 1 प्लस साइन आपने पहले भी इंटीग्रेट किया है, और उस तरीके से उसको फर्दर इंटीग्रेट करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट सम है ये, एक्स को ध्यान में रखना, सबसे पहले ये एक्स हटाया जाता है, नोट कर लीजिए इसको। तो नाउ मूविंग ऑन टू अवर 7th प्रॉपर्टी। कल आपने 6 तक प्रॉपर्टीज पढ़ी और अब कुछ बहुत और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। इसमें 7th प्रॉपर्टी को आप ऑलरेडी पहले यूज कर चुके हैं,
प्रॉपर्टी नंबर सेवन, और सेवेंथ प्रॉपर्टी है इसको अपन लेबनीज रूल बोलेंगे। ऑलरेडी आपने ये डिस्कस किया हुआ है, पहले आपको बताया हुआ है लेबनीज रूल, लिमिट की चैप्टर जब आप पढ़ रहे थे एलएच रूल लगाते थे, डेफिनाइट इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन आता था तो आपको बताया गया था कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन जब भी लिमिट में आएगा तो हमेशा एलएच रूल लगेगा, और एलएच रूल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपने डिफरेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। तो जब आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन लगता है। तो जब भी डेफिनाइट इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करना है तो वी अप्लाई दी लेबनीज रूल, और इस रूल के मुताबिक रूल आप ऑलरेडी जानते हैं, ये प्रॉपर्टी है अगेन डेफिनाइट इंटीग्रेशन की, डी वाई बाई डी एक्स इंटीग्रेशन पाई एक्स। याद रखें जो जरूरी बात है वो ये कि जिस वेरिएबल ऑफ, जो भी वेरिएबल ऑफ डिफरेंशिएशन है यहाँ पर एक्स है, तो ये जो लिमिट है ये एक्स की फंक्शन होंगी, और अंदर एफ टी डी टी। तो विदाउट इंटीग्रेटिंग आप डायरेक्टली जब लेबनीज रूल लगाएंगे तो इसके मुताबिक आपने इस टी की जगह पर पहले अपर लिमिट लिखना है, मतलब एफ ऑफ पहले टी की जगह पर अपर लिमिट लिखेंगे, फिर इनटू इसी अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, और माइनस, फिर यही काम आपने लोअर लिमिट के साथ करना है, टी की जगह पर लोअर लिमिट और फिर लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करेंगे। यह है लेबनीज रूल। विदाउट इंटीग्रेटिंग हम डायरेक्टली, मतलब इसमें पहले जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो टी का फंक्शन बनेगा, जब आप इसमें लिमिट डालोगे तो एक्स का फंक्शन बनेगा, और फिर आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो जिस वेरिएबल की लिमिट होंगी उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड दी लेबनीज रूल। एक बहुत छोटा सा सवाल इस पर अपन देख लेते हैं। जैसे इवैल्यूएट आपको एफ एक्स दिया है x से x स्क्वायर रूट कॉस थी डी टी। क्वेश्चन है इवैल्यूएट या इवैल्यूएट वर्ड हटा लेते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स से एक्स स्क्वायर तक, स्मॉल एफ है ये, ठीक है, स्क्वायर रूट ओवर कॉस टी डी टी। तो आपको ये बताना है कि एफ डैश एक्स कितना हो, देन एफ डैश एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो बड़ा इजी सवाल है, अपन डायरेक्टली इसके सॉल्यूशन के लिए एफ डैश एक्स पहले इस टी की जगह पर आप एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और फिर इसी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो टू एक्स, और माइनस, फिर आप इस टी की जगह पर एक्स लिखेंगे और फिर उसका डिफरेंशिएशन। तो फाइनल आंसर आपका टू एक्स इंटू रूट ओवर कॉस एक्स स्क्वायर माइनस रूट कॉस एक्स, ये इसका आंसर दे देगा आपको, ये एफ डैश एक्स का वैल्यू होगा। तो यह है आपका लेबनीज रूल। कुछ क्वेश्चन अपन देख रहे हैं लेबनीज रूल पर बेस्ड, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, आपको कोई डाउट है क्वेरी है इसमें तो पूछ लीजिए। इसको अपन प्रॉपर्टी नंबर सात से जानेंगे, ऑलरेडी पहले यूज कर चुके हैं इसको, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन करके भी इसको जाना जाता है, प्रॉपर्टी सेवन। तो मूविंग ऑन टू सम क्वेश्चंस, अगला पेज ले लेते हैं एंड आप इस क्वेश्चंस के अब आंसर करिए। बोलो, एक बार फिर से रूल समझाओ ना, समझ में नहीं है। इसमें कुछ नहीं करना, ये जो वेरिएबल टी दिख रहा है, वेरिएबल, वेरिएबल कैसे समझेंगे कि इसमें
30 के रिस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये वेरिएबल की जगह उठा के सीधी अपर लिमिट लिखना, मतलब t की जगह x स्क्वायर लिखना है, तो ये t की जगह x स्क्वायर लिख दिया। फिर x स्क्वायर जो डाला है यहाँ पर उसी को डिफ्रेंशिएट करना है, फिर माइनस, यही काम लोअर लिमिट के साथ करना, मतलब t की जगह पर x लिखेंगे और फिर इसी x को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1, और फिर इसको तो अरेंज करके लिख दिया, समझ गया अभी? Yes. Okay. So, here we discuss some question based upon this concept. Let's see, first question. Let fx equals to integration from 1 to x square root over 2 minus t square dt, then real roots of real roots of equation x square minus f dash x equals to 0 r. So, इस equation के roots क्या होंगे? आपके option है plus minus 1 upon 2, plus minus 1 upon root 2, या फिर none of these. This is the first question based upon this concept, Leibniz theorem पर based. तो यहाँ पे देखिए function fx आपको एक definite integration दे रखा है और उसका derivative required है. संकेत सुपकर correct है. और डेफिनाइट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन रिक्वायर्ड है यहां पर. सिल्वी गुप्ता करेक्ट है. शांतनु मेश्राम करेक्ट है. समीर कामले करेक्ट है. चलिए अब किसी का आंसर नहीं आ रहा तो देख लें द करेक्ट आंसर ऑफ रितेश खैरागाड़ी करेक्ट है.
भूमिका गेडाम और योजित चेक करें। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, क्या हो गया? ब्लर है आपकी स्क्रीन। एक मिनट वेट करना, अभी आ जाएगा सही। अभी ठीक दिख रहा है? अंकित लोनारे ठीक दिख रहा है अभी? यस सर। ओके, सो नाउ हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज प्लस माइनस वन एंड द सॉल्यूशन इज एक्स स्क्वायर एस एच रहेगा। और जब आप फंक्शन का डेरिवेटिव यहां पर डालेंगे तो फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, टी की जगह पर एक्स लिखना है, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, एफ डैश एक्स बराबर जीरो। ना इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर टू माइनस एक्स स्क्वायर, और पोस्ट साइड स्क्वायरिंग कर दें तो टू माइनस एक्स स्क्वायर। और जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे तो एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस टू इक्वल्स टू जीरो बनता है। इसके जब आप रूट्स निकालेंगे तो एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस टू जो कि इमेजिनरी रूट्स देगा, और ये आएंगे। सो नाउ इससे हियर वी गेट द रूट्स एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन। सो दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इतना सा था, नोट कर लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर दो। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से टी स्क्वायर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू टू अपॉन फाइव टी रेस टू दी पावर फाइव, देन एफ ऑफ फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव का वैल्यू कितना होगा? चार बटा पच्चीस। आपके ऑप्शन है टू बाय फाइव, माइनस फाइव बाय टू, जीरो या फिर वन। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए बी सी डी करके आप आंसर करना। एफ आपको कंटिन्यूअस फंक्शन दिया है और इस तरीके से जीरो से टी स्क्वायर तक एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स टू अपॉन फाइव टी पावर फाइव दिया है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव। ये सारे क्वेश्चन जो पहला मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और इसके बाद एक और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये तीनों क्वेश्चन जो है वो आई आई टी में पूछे हुए क्वेश्चन है, मतलब दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आई आई टी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इसलिए आप इनको जरूर अच्छे से कर लें। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा आएगा कि दीज क्वेश्चन आर बेस्ड अपॉन लेबनीज थ्योरम। आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतनी बढ़ानी है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ये जरूर देखिए, बच्चे इस बात में फंसते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं। अभी तो आप प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ध्यान में है कि ये लेबनीज थ्योरम लगाना है, बट डिफरेंट क्वेश्चंस कराने का पीछे रीजन ये है कि आप क्वेश्चन को देख के ये कंसेप्ट का अंदाजा लगा पाए कि यही आपका प्रॉपर्टी इसमें क्यों लग रहा है। तो जैसे कि यदि आप इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ तो समझ में ही आ रहा है कि एफ डैश एक्स पूछा है तो यहाँ तो डिफरेंशिएशन करना है, बट ये क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा कि हमने डेफिनाइट इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना है। तो अब इसको देख के, जैसे इसमें तो पूछा था कि भाई एफ दिया है एफ डैश निकालो, यहाँ तो कहीं एफ डैश है ही नहीं लेकिन क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। तो एक रीजन है कि जब बोथ साइड टी के, जो कि जब आप इसको इंटीग्रेट करके टी डाल दोगे तो ये टी का फंक्शन बनेगा, जब बोथ साइड ये टी के फंक्शन बनेंगे तब ये डिफरेंशिएट ही होके फर्दर सॉल्व होगा। इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखना कि कब कौन सा रूल लगाना है, ये भी आना जरूरी है।
तो करिए सवाल। शांतनु मिश्रा हम चेक करें। समीर कामले करेक्ट है। आयुष सहारे चेक करें। चलिए देख लीजिए, टाइम समाप्त हो गया आपका। रितेश खैरागड़े करेक्ट हैं, वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन, 2/5 आता है। और आप देखें अभी सॉल्यूशन इसका, देखिए जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, व्हेन बी डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो पहले टी की जगह पर, सॉरी एक्स की जगह पर टी स्क्वायर लिखना है। तो ये जहां जहां एक्स है वहां वहां टी स्क्वायर लिख दो, फिर इसी टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2t, और जब आप इसको जीरो के साथ करेंगे तो सब जीरो हो जाएगा। तो ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव, राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव 2t/4 होता है। तो अब ये आपका एफ ऑफ टी स्क्वायर बराबर टी बचेगा, और आपको वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ 4/5 की। 4/25 का मतलब 2/5 का स्क्वायर, इसलिए ये आंसर 2/5 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर 2/5, नोट कर लीजिए, डन। तीन लाइन का क्वेश्चन था, बताइए। टेक दी स्क्रीनशॉट, हियर वी डिस्कस वन मोर क्वेश्चन, फिर अपन इसमें आगे चलेंगे। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए आपको कहीं से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इंटीग्रेशन फ्रॉम साइन एक्स टू 1 टी स्क्वायर एफ टी डी टी इज इक्वल टू 1 t square f t dt is equals to 1 minus sin x. As 1 minus sin x, then the value of
f of 1 upon root 3 equals to, f of 1 by root 3 का वैल्यू कितना होगा? आपके ऑप्शन है 1 upon root 3, 1 upon 3, root 3 और 3. ऐसा कर लेते हैं. These are the options. Now, करिए अभी आंसर. संकेत तुपकर करेक्ट है. सुशांत ठाकरे करेक्ट है. शांतनु मेश्राम करेक्ट है. समीर कामले करेक्ट है. सारे एस वाले बच्चे ही ऑप्शन आंसर दे रहे क्या? रितेश खैरागड़े करेक्ट है. भूमिका गेडाम करेक्ट है. सिल्वी गुप्ता करेक्ट है. निहाल कामले करेक्ट है. ओके तो ये क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो बोथ साइड एक्स का फंक्शन है. जब लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेट करके लिमिट डालोगे तो एक्स का फंक्शन बनेगा और राइट हैंड साइड में भी एक्स का फंक्शन है. इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो लैब नहीं जरूर लगाना है अपन ने. कहीं पे भी क्वेश्चन में ये नहीं दिख रहा कि लैब नहीं जरूर करना है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है. इसलिए क्वेश्चन देख के पहचानिए जरूर कि कौन सा रूल लगा है. योजित करेक्ट है. चौधरी कल्पेश
तो चलिए हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. अब नहीं आ रहा किसी बच्चे का आंसर. करेक्ट आंसर है 3, थर्ड ऑप्शन. देख लीजिए सॉल्यूशन. तो 1 के लिए जब करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, और साइन एक्स के लिए करेंगे तो टी की जगह साइन एक्स डालेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, और एफ ऑफ साइन एक्स आएगा. और राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन करना है, 1 का डेरिव और ये आपका साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया. एंड नाउ गड़बड़ तो नहीं दिया था कुछ? सर आपने साइन एक्स का डिफरेंशिएट नहीं किया है. कहां पर? लोअर लिमिट का. ओके ओके ओके, सॉरी, साइन स्क्वायर डाल दिया, डिफरेंशिएट हो गई तो मैं कॉस कट नहीं रहा है. और साइन का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? कॉस. ओके, माइनस कॉस एक्स आएगा ये. एंड नाउ माइनस कॉस बोथ साइड उड़ जाएगा, सो देयरफॉर एफ ऑफ साइन एक्स गिव यू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. एंड नाउ वी डन द क्वेश्चन. साइन एक्स की जगह पर आपको 1/√3 डालना है, तो जब साइन एक्स को 1/√3 डालेंगे तो ये आपका 1/1/3 मतलब 3 हो जाएगा. सो 3 इज द करेक्ट आंसर. इस पेज का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब मैं ये पूरा हटाऊंगा और अपन अगली बार से पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. करेक्ट आंसर इसका 3rd ऑप्शन है. 3 आती है वैल्यू. और प्रॉपर्टी नंबर 8 डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8. सात प्रॉपर्टी अभी तक आपने डिस्कस करी. अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपके साथ अब डिस्कस कर रहा हूं. सो यहां पर ये प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट ये है, प्रॉपर्टी नंबर 8, कि इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड कैपिटल टी, यदि एफ एक्स कोई पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड टी है, देन अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगहों पर यूज होती है, 0 से लेकर एन टी तक एफ ऑफ एक्स डीएक्स का जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है, इट इज एन टाइम्स 0 से लेकर टी तक एफ ऑफ एक्स डीएक्स. यहां पर n आपका कोई इंटीजर होना चाहिए और t पे तो रिस्ट्रिक्शन दिया ही है, t आपका पीरियड है. तो ये पीरियड एक फंक्शन की प्रॉपर्टी पर बेस क्वेश्चन है. यदि आपको ऐसा कोई भी फंक्शन दिया है तो ये जो n है ये सीधा उठ के बाहर आ जाता है. बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस पर बेस मिलेंगे, जैसे कि इस प्रॉपर्टी पर यूटिलाइजेशन में आपको बताता हूं कि क्वेश्चन में जैसे आपको दिया है इवैल्यूएट, अभी बहुत एक इजी क्वेश्चन ले रहा हूं. सपोज जैसे आपको दिया है 0 से लेके 10 पाई तक मॉड साइन एक्स को आपने इंटीग्रेट करना है, तो ये जो मॉड साइन एक्स फंक्शन है, दिस इज पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड पाई. पीरियड ऑफ फंक्शन मॉड साइन एक्स इज पाई, एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू अवर प्रॉपर्टी
जीरो से टेन पाई तक मॉड साइन एक्स डीएक्स, ये टेन इंटीजर होने के कारण सामने आ जाएगा, फिर ये जीरो से पाई तक केवल मॉड साइन एक्स बचेगा, और आप जानते हो जीरो से पाई तक साइन पूरा का पूरा पॉजिटिव होता है, तो आप मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ चलेगा, और आप जीरो से पाई तक साइन एक्स को इंटीग्रेट कर लेना, इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू टू आता है और ओवरऑल आंसर ट्वेंटी आ जाता है। तो एक्चुअली जो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप देखेंगे कि यदि आप मॉड साइन एक्स का ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करें, तो साइन एक्स का ग्राफ तो आप जानते हो, लेकिन मॉड साइन एक्स को जब आप प्लॉट करोगे तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से आता है, और इस तरीके से ये अप टू 10, क्योंकि 10 पाई तक दिया है, ये 0 से पाई तक एक हुआ, फिर पाई से 2 पाई तक, 2 पाई से 3 पाई तक, 3 पाई से 4 पाई तक, तो अप टू आपको ऐसे ऐसे 10 तक जाना है। और ये देखें, ये सबका जो एरिया है ये बिल्कुल सेम आएगा, सिमेट्रिक होंगे दियार, तो इनडायरेक्टली ये मतलब है इसको इंटीग्रेट करने का कि ऐसे ऐसे 10 सिमेट्रिकल पोर्शन बनेंगे। आप किसी एक सिमेट्रिकल पोर्शन का एरिया निकाल लो, मतलब आप जब इसका वैल्यू फाइंड करोगे तो वैल्यू ऑफ दिस 0 से पाई तक साइन एक्स को आप इंटीग्रेट कर लेना, तो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू जो आती है वो 2 आती है, तो ये 2 + 2 + 2 + 2 10 टाइम्स 20 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन ये है कि जब कोई फंक्शन पीरियडिक होता है, पीरियडिक मतलब एक सर्टेन इंटरवल के बाद, एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद वो अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है, जैसे मॉड साइन एक्स पाई लेंथ के बाद अपने आप को रिपीट करता है, तो इसका पीरियड पाई हो गया। तो पाई के साथ जो भी इंटीजर लगा हुआ है वो सीधा आप बाहर पटक दो, मतलब इनडायरेक्टली इसका मीनिंग ये हो गया बाहर पटकने का कि दिस ग्राफ हैज 10 सिमेट्रिकल पोर्शन, ये 10 बाहर आ गया तो 10 सिमेट्रिकल पोर्शन आ गया, तो वी फाइंड द एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सिमेट्रिकल पोर्शन एंड इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका एरिया 2 आता है, इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन की 2 आती है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 20 हो जाएगा। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस थ्योरम, एंड हियर वी राइट सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बेस्ड अपॉन दिस। इसके भी कुछ और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं, वो मैं इसके बाद आपको बता रहा हूँ, इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप, और इसी प्रॉपर्टी के कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट वो आप देख लें। चलिए अच्छी बात है सर। हाँ बोलो सर। मॉड साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स के ग्राफ में सर डिफरेंसेस क्या रहेंगे? मॉड साइन एक्स का जो ग्राफ है और साइन ऑलमोस्ट सेम आता है दोनों का ग्राफ, क्योंकि मॉड साइन एक्स में जितना पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस है वो ऊपर हो जाता है, और साइन स्क्वायर का ग्राफ भी ऑलमोस्ट सेम ही आता है, क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव ही बनाएंगे, ठीक है, मतलब शेप ऐसी रहेगी, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी शेप तो ऐसे ही आएगा आपका दोनों का। सर ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई भी डिफरेंशिएबल नहीं है ना? क्या बोले बता? सर ये जो मॉड इसका जो साइन स्क्वायर जो ग्राफ बना है सर, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई भी डिफरेंशिएबल नहीं है ना? शार्प पॉइंट मिलता सर, पाई के मल्टीपल पे सर शार्प पॉइंट मिलता, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है ना? हाँ, वो जहाँ पर शार्प पे जाएगा वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एंड सर वो वाला ग्राफ साइन स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन, तो आपका जीरो पर यदि आप वैल्यू डालोगे साइन स्क्वायर, वो तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, साइन स्क्वायर फंक्शन तो हर जगह डिफरेंशिएबल है ना, जब आप मॉड लगाते हो तो मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन जिन पॉइंटों पे जीरो होगा वहां पे शार्प एज देगा, ठीक है, तो जब आप एक रफ स्केच देखेंगे तो बस साइन स्क्वायर के ग्राफ के बस ऐसा थोड़ा सा एकदम शार्प एज नहीं बनाएगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा, बस इधर से इस तरीके से निकल जाएगा वो। साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो तो जाता है हर पॉइंट पे, तो होता है डिफरेंशिएशन, लेकिन मॉड साइन एक्स जो है वो जहां पर ये जीरो होगा वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा,
ठीक है, तो ग्राफ दोनों के यदि मैं ग्राफ देखूं इसका, एक मिनट रुक जाओ, साइन स्क्वायर का ग्राफ भी बिल्कुल मेरे हिसाब से ऐसे ही आता है। दोनों की शेप ओवरऑल कितना, तुमने भी क्वेश्चन पूछा तो फर्क कितना आएगा वो देख लो। क्या ग्राफ है अपना? साइन स्क्वायर, साइन को हटा देता हूँ, स्क्वायर अब अपन लिखते हैं एक्स। ओके, ये ग्राफ हट गया, ये ग्राफ हट गया, ये ग्राफ भी हट गया और ये भी हट गया। अच्छा हाँ सॉरी, सही तो है, ये साइन स्क्वायर हो गया और इसमें मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनेगा क्या? एक मिनट, इसी में मॉड साइन एक्स को प्लॉट करता हूँ। मॉड साइन एक्स, ठीक है, दोनों बनाए सही बनाए ग्राफ, ठीक है। तो जब आप इसका बनाओगे, मॉड साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से जाता है, शार्प एज बनाता हुआ, और जब साइन स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो वो ऐसा आएगा, ठीक है। ये मॉड साइन एक्स का ग्राफ है, यहाँ पे भी ऐसे बनेंगे, और जब आप साइन स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो वो ऐसा शेप ऐसे ही आता है, बस यहाँ से शार्प एज नहीं बनाता, ये इस तरीके से आता है। समझ गया अभी सुशांत ठाकरे? हाँ सर। हाँ ठीक है, दोनों के ग्राफ ऐसे ही बनते हैं, बस मॉड लगाते वक्त शार्प एज देखा और स्क्वायर लगाते वक्त शार्प एज नहीं देखा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो अभी। हाँ, पेज नंबर 6, अगला पेज अपन ले लेते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, प्रॉपर्टी तो यही लिखी हुई है सर, लेकिन बीच में मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? सिल्वी वेटिंग में। अच्छा, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो अपन ने नोट में याद रखना है, कि पहला ये है कि यदि ये a से a प्लस nt तक f ऑफ x dx इंटीग्रेट करने आता है, तो इसको आप लिख सकते हैं n 0 से t f ऑफ x dx। यहां पर a कोई रियल नंबर है और बाकी जो रिस्ट्रिक्शन है सेम है, t पीरियड है और n इंटीजर है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम है, मतलब ओवरऑल ये है कि जब a से a तक आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये इंटीग्रेशन का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो अब ये जीरो से nt तक ही बचेगा, मतलब इनडायरेक्टली यही हो जाएगा। और इसमें आप क्या करते थे, n सामने ले लेते थे, तो यदि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों में बिल्कुल कोई सेम नंबर आ गया तो आप वो सीधा नंबर जो है वो गोल कर सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस, a से a प्लस nt तक। अब ऐसे यदि आपको दूसरा इसमें दिया है एम टी से लेकर एन टी तक, कैपिटल टी कहीं भी लिख रहे हैं वो पीरियड ऑफ द फंक्शन है, तो वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन इज एन माइनस एम, ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट होगा, इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा। यहां पर एम और एन बोथ आर इंटीजर्स, मतलब वो पीरियड को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं एम और एन से तो ये एन माइनस एम बना देगा जीरो से टी से, तो ये अगली बात है। नेक्स्ट थर्ड वन इज, यदि मैं ए प्लस एन टी, सॉरी ए प्लस एन टी से बी प्लस एन टी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स देता हूं, तो ये बिल्कुल ऐसी वाली बात हो गई, एन टी दोनों जगह पर है,
तो ये सीधा आपका गोल हो जाएगा, क्योंकि एन टी से एन टी तक इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो होगी, तो केवल क्या बचेगा, ये ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बाकी आपका ए बी आपके कोई रियल नंबर है, एन इंटीजर है और टी आपका पीरियड है, तो ए बी बिलोंग्स टू आर लिख सकते हैं आप। और लास्ट यदि ए प्लस एन टी से, बात वही हो जाएगी, एन टी तक आपको दिया है, या इसको ऐसा लिख लो, यही प्रॉपर्टी को फिर से लिख रहा हूं, ये वाली नहीं, सॉरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, लेकिन अब ये एन टी से शुरुआत हो रही है, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये क्या बचेगा, एन टी से एन टी तक इंटीग्रेशन का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, जीरो से लेके ए तक एफ ऑफ एक्स, ये चार डिफरेंट रिजल्ट है, ये दोनों बिल्कुल सेम है, और यदि यहाँ पर दोनों बातें सेम आती एन टी एन टी, तो ये भी उड़ जाता है सीधा, ए से बी तक इंटीग्रेशन बचेगा, और यदि एन टी से एन टी है तो फिर एन माइनस एन जीरो से टी। तो दीज आर दी सम रिजल्ट्स बेस्ड अपॉन दिस कंसेप्ट, बेसिक रिजल्ट आपका यही है, कभी कभी इन प्रॉपर्टीज का भी यूटिलाइजेशन हो जाता है, इसका एक स्क्रीनशॉट लें, इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं अभी, पीरियडिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट आपके मन में है पूछ लीजिए। सर थर्ड वाली बताइए ना फिर से। थर्ड वाले में क्या है, बिल्कुल सेम है, यहाँ पर जैसे आप दोनों सेम आ रहे थे तो ये सेम छोड़ दे रहे थे, क्या बच रहा था, जीरो से एन टी, यहाँ पर ये सेम आ गया, एन टी एन टी ये हटा दो, तो केवल क्या बचेगा, ए से बी तक, क्योंकि यदि दोनों जगह वो नंबर डला है तो वो पर्टिकुलर एन टी से एन टी तक वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगी, ये आपने पढ़ा है, व्हेन लोअर एंड अपर लिमिट आर सेम देन वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन बिकम जीरो, समझा अभी, यस सर, जब आपका सेम आएगा तो उसको सीधा उठा के गोल मार देना। मैं आपको से क्वेश्चन कुछ ढूंढ रहा हूँ, चलिए तो ये क्वेश्चन का आंसर करिए, सो पेज नंबर 7 पे, हियर वी डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में छोड़ रहा हूँ आपके सामने, नोट्स हटा देता हूँ, प्रॉपर्टी भी अपन को पता ही है, तो चलो लिखा रहे हम लोग, जैसे क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से हंड्रेड पाई, जीरो टू हंड्रेड पाई स्क्वायर रूट ओवर वन प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू कितना हो, आपके ऑप्शंस हैं जीरो, हंड्रेड रूट टू, टू हंड्रेड रूट टू, या फिर हंड्रेड, और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके साथ ही दे रहा हूं, जीरो से सिक्सटीन पाई बाई थ्री, जीरो से सिक्सटीन पाई बाई थ्री मॉड साइन एक्स डीएक्स, मॉड साइन एक्स डीएक्स, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन 21/16 बाई थ्री, थर्टी टू बाई थ्री, या फिर 21/2, सुशांत ठाकरे चेक करें,
संकेत तुपकर करेक्ट है। योजित चेक करें। सुशांत ठाकरे दूसरा भी क्वेश्चन चेक करें। सिल्वी गुप्ता चेक करें। संकेत तुपकर चेक करें। निहाल कामले चेक करें। वाह वाह रे सभी गलत हो गए भाई, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं दिए हैं आपको। शांतनु मेशराम चेक करें। रितेश खैरागड़े चेक करें। समीर कामले करेक्ट है। सिल्वी गुप्ता चेक करें। सचित शेंडे चेक करें। सुशांत ठाकरे अब की बार करेक्ट है। चलिए सो हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। शांतनु मेशराम चेक करें, गलत जवाब। बहुत सारे गलत ऑप्शन हो गए आपके, देख लो अब क्या रीजन रहा। योजित चेक करें। तो समझिए आप ध्यान से भाई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 200√2। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है 21/2। अब आप दोनों के सॉल्यूशन देखिए भाई, यहां तो जब तक पीरियड बनता नहीं तब तक 100 सामने लाने का नहीं। 1+cos 2x जो होता है वो 2cos²x होता है, और आपको आगे पहले मैं बता चुका हूं कि जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटाओगे तो मॉड साइन देंगे। कई बच्चों ने मॉड साइन नहीं दिया इसलिए उनका आंसर जीरो आ गया। फर्स्ट ऑप्शन, जब स्क्वायर बनेगा यहाँ पर और स्क्वायर रूट हटाओगे तो मॉड लगाओगे, पहले बताया आपको, ध्यान रखो ये चीजें। अब मॉड कॉस एक्स का पीरियड जो है वो पाई होता है, तो पाई के सामने जो भी नंबर है वो सामने आ जाएगा, तो 100 सामने आ जाएगा। तो ये 100√2 हो गया, और अब ये जीरो से पाई तक मॉड कॉस एक्स बचा, और जीरो से पाई तक आप मॉड कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर लेना, उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 2 आती है, इसलिए आंसर 200√2 आता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन में एक बात आपने जो ध्यान में रखनी है, मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई होता है, लेकिन आपको बताया है ये प्रॉपर्टी में, ये जो एन सामने आया है ये n तभी सामने आएगा जब ये इंटीजर होगा। यहाँ पर जो n आपको दिया है वो 16/3 दिया है, क्योंकि पाई तो पीरियड है। मतलब यदि आप इसी लिमिट को देखो तो इस लिमिट को आप ऐसा लिखोगे 16/3 पाई, ये ऐसा लिखा है, और पाई पीरियड है, मतलब t की जगह पे तो पीरियड है पाई, लेकिन 16/3 इज नॉन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, और इसलिए ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं लगेगी। सीधा उठ के 16/3 सामने नहीं आता, तो आपने वो 16/3 सामने ले लिया और उसका इंटीग्रेशन 2 बोल दिया और आंसर 32/3 बोल दिया, तो दिस इज गलत जवाब, ये नहीं आएगा, इसको ध्यान में रखना है। ये प्रॉपर्टी तभी यूजफुल है, इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है
इंटीजर होता है तो ही सामने आता है। अब मान लो यहाँ कोई फ्रैक्शनल नंबर है, तो इसको फर्दर कैसे मूव करेंगे, तो आप फ्रैक्शनल नंबर को पहले, ये जो 16π/3 था इसको अपन 5π + π/3 लिख सकते हैं, 5π + π/3, और मॉड साइन एक्स आपका एस सच रहा। और अब ये दो इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाएगा, एक तो 0 से 5π तक मॉड साइन एक्स, और 0 से π/3 तक मॉड साइन एक्स। अब इसमें 5 आ जाएगा सामने, 0 से π तक ये 5 × 2 बना देगा, प्लस 0 से π/3 तक साइन हमेशा पॉजिटिव होता है और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो ये 10 आएगा, और इसको कैलकुलेट कर लेना, 1 − 1/2 1/2 आता है, तो ये 21/2 बनता है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें। सर वो लास्ट में लिमिट्स कैसे चेंज हो गई? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। समझ गया? नहीं सर, एक और बार बताओ ना। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, मतलब यहाँ पर माइनस आएगा और अपन लोअर को अपर, अपर को लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस साइन गोल हो जाएगा, ये आपको हाँ बताया सर। था मैंने हाँ सर कि मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो अपने आप वो साइन गोल कर दूंगा, जहां पर आपको साइन में गड़बड़ लगी तो एक ही बात पे आप अपना ध्यान लगाना कि लिमिट उल्टी हो जाएंगी, लिमिट उल्टी हुई तो कहीं ना कहीं माइनस साइन गायब हुआ है वहां पर, ठीक है? तो देख लीजिए कैलकुलेशन, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो विशेष ध्यान में रखें, इस इंटीजर पे जनरली गलती यही होती है, इंटीजर होगा तो ही सामने पटकना आप उसको, नहीं होगा तो इस तरीके से उसको फर्दर मूव करेंगे। तो टेक दी स्क्रीन शॉट, वी डिस्कस सम मोर क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दीज प्रॉपर्टी जो आपने अभी तक पढ़ी है, और साथ में इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज अब आगे इम्पोर्टेंट आने वाली हैं, तो उनको हम करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद सर। कल क्लास है? बाय एवरीवन। कल अभी पहले देखना दो टेस्ट, टेस्ट का टॉपिक क्या दिया आपको, यही दिया ना, इंटीग्रेशन एंड 8 क्वेश्चन डेफिनेट करेंगे। ओके, इंडेफिनाइट कंप्लीट है और 8 क्वेश्चन आपका डेफिनाइट है, 17 और 8, ठीक है? तो कल का पहले मैं आपको शेड्यूल, आपको इन्फॉर्म हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा, है ना, ग्रुप में जो भी रहेगा। ओके, बाय। हाँ सर।